अंकिता हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने से एक और मामला सामने आ गया। इस मामले में 19 साल का युवक केदार भंडारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है और केदार के लापता होने को लेकर ऋषिकेश पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि युवक आखिर गायब हो कैसे गया। आपको बता दें, लापता केदार भंडारी उत्तरकाशी के चौड़ियात गाँव का रहने वाला है। 19 अगस्त को वह उत्तरकाशी से कोटद्वार अग्निवीर भर्ती के लिए निकला हुआ था। इसके बाद 21 अगस्त को अग्निवीर की परीक्षा देकर वह ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में अन्य लड़कों के साथ एक होटल में ठहरा। लेकिन इस बीच केदार के पिता को सूचना मिली कि उनका बेटा मुनि की रेती थाने में चोरी के आरोप में बंद है। ये खबर मिलने के बाद 22 अगस्त को केदार के बड़े भाई गंभीर सिंह वहां पहुंचे तो पता चला कि युवक थाने में नहीं है। बाद में सूचना मिली कि केदार को लक्ष्मण झूला पुलिस ले गई है और वहीं से केदार गायब हो गया और 2 दिन पहले 4 अक्टूबर तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था। केदार के पिता लक्ष्मण भंडारी ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष ने कॉल करके उन्हें कहा था कि उनका बेटा नदी में कूद गया है और गोताखोरों की मदद ली जा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि 21 अगस्त की रात नीलेश नाम का युवक केदार को बाहर ले गया था, जिसे जांच में लाया जाए। वहीं इस मामले पर पौड़ी SSP यशवंत चौहान ने कहा कि मुनि की रेती थाना ने लक्ष्मण झूला थाना को सूचना दी थी कि एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़ा है, जिसके बाद पूछताछ के लिए युवक को लक्ष्मण झूला थाना लाया गया। लड़के को हमने एक PRD जवान की सुरक्षा में बैठा कर रखा था। उसी दौरान अचानक उसके मन में क्या आया कि वह PRD जवान को धक्का देकर भाग गया। उसके पीछे पुलिस भी भागी। CCTV फुटेज में सब देखा जा सकता है। पुलिस उसके पीछे भाग रही है। SSP पौड़ी ने आगे कहा, अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि युवक अग्निवीर भर्ती में गया था या नहीं, लेकिन चोरी के प्रकरण में उसे पकड़ा गया है और हम जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।